अब आइए उत्तर मांगे प्रदेश की ओर आगे बढ़े। उद्घाटन से पहले नए संसद भवन पर संग्राम छिड़ किया गया। विपक्ष के 19 दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग की है तो अखिलेश ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा है कि भाजपाइयों द्वारा संसद के दिखावटी उद्घाटन से नहीं बल्कि वहां पर लिखे श्लोकों की मूल भावना को समझकर सभी को सुनने और समझने का बराबर अवसर देना ही सच्ची संसदीय परंपरा के, जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मान नहीं, वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती, उसके उद्घाटन में क्या जाना, यह अखिलेश ने ट्वीट किया। तो सवाल उठता है कि लोकतंत्र के नाम पर नए संसद भवन के बहाने पीएम मोदी का विरोध हो रहा है क्या, या सच में कुछ ऐसा है जिसका विरोध करना विपक्ष के लिए जरूरी है? आखिर शुभ मुहूर्त पर विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जुड़िए, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राष्ट्रपति जी की उपेक्षा की गई है, राष्ट्रपति जी को केवल राजनीतिक रैलियों में नाम लेके और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का एक प्रतीक के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का उपहास कह लीजिए या उपमानना कह लीजिए, वो क्या हो सकता है? एक देश का नया संसद भवन देश को प्रदान किया जा रहा है, जिसकी आवश्यकता बहुत वर्षों से अनुभव की जा रही थी। यूपीए के शासनकाल के अंदर उसके विषय पर चर्चा हुई। नए संसद भवन पर लड़ाई, बहिष्कार पर क्यों आई? भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। जिस बीजेपी को संविधान पर, लोकतांत्रिक नियमों पर भरोसा नहीं है, उनके नेताओं के द्वारा किए जा रहे संसद भवन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं है। सरकार ने भेजा बुलावा, विपक्ष को नया संसद क्यों नहीं पाया? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति जी को आमंत्रित तक नहीं किया, राष्ट्रपति जी के द्वारा उसका उद्घाटन होना चाहिए, नहीं किया, इसलिए कि वो आदिवासी समाज। क्या संसद भवन बहाना पीएम मोदी है निशाना? हम लोगों का मानना है राष्ट्रपति जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं देश राष्ट्र, वो राष्ट्रपति ही होते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के पास बेवजह के मुद्दे और उन मुद्दों पर सहमति हुई आवश्यक नहीं। विपक्ष को किसी भी अवसर पर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया कि नई बिल्डिंग बननी है कि नहीं बननी। उद्घाटन से पहले नई संसद पर संग्राम, शुभ मुहूर्त पर विवाद करना विपक्ष का काम। संसद की नई बिल्डिंग विपक्ष आग बबूला क्यों, ये बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन करवाने की मांग हो रही है। बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम से करवाने का विरोध किया जा रहा है, ये आप देख लीजिए पॉइंट्स हैं। पीएम मोदी से उद्घाटन को राष्ट्रपति का अपमान बता रहा है विपक्ष, और पीएम से उद्घाटन करवाने का विपक्ष विरोध कर रहा है, और साथ ही पीएम मोदी से उद्घाटन को राष्ट्रपति का अपमान बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं, ये राहुल गांधी की बातें हैं। और राष्ट्रपति को न बुलाने पर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है, और उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है बता दें आपको। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया, ना ही अब राष्ट्रपति मुर्मू को उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया गया है, ये अपमान है सीधे सीधे राष्ट्रपति का, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है।
देखिए कुल 19 दल उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। जो डिटेल से बता दें, कांग्रेस, टीएमसी, जदयू, समाजवादी पार्टी इसमें शामिल है। कुल 19 दल बताए जा रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाला जो गुट है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, ये भी विरोध कर रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका विरोध कर रहा है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया है। उद्घाटन समारोह में ये शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा आपको और बताएं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इसका विरोध किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी कहा गया कि वो भी इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मना कर दिया इसमें शामिल होने के लिए। केरल कांग्रेस मणि ने भी इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है, साथ में वो नहीं रहेंगे। आरएसपी ने भी उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। और विद्युतलाई चिरुथिगलम कच्ची ने भी इसका सीधे विरोध किया। और मरुमलाची द्राविड मुन्नेर कड़गम ने भी इसका विरोध किया। कुल मिलाकर के 19 पार्टियां हैं, विपक्षी दल, जो साफ तौर से मना कर रहे हैं कि वो इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुट चुके हैं। और अंश अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, साथ में अविनाश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले अविनाश का ही रुख कर लेते हैं। चलिए अविनाश, कुल 19 दल बताए जा रहे हैं, 19 विपक्षी पार्टियां, जो सीधे सीधे आरोप भी लगा रही हैं, तमाम उनके सवाल भी हैं, और वो सीधे ये कह रहे हैं ये तो वो इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। कांग्रेस तो ये कह रही है कि राष्ट्रपति का अपमान यहाँ पर हो रहा है, और अलग अलग विपक्षी दलों के अलग अलग आरोप हैं। अविनाश जी, बिल्कुल अलग अलग विपक्षी दलों के अलग अलग आरोप हैं, लेकिन जो संयुक्त विपक्ष ने अपनी ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया उसमें यही आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जा रहा है, लिहाजा इस वजह से जो संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा में सबसे सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति को जब नहीं बुलाया जा रहा है तब वो लोग इस उद्घाटन समारोह है इसमें शिरकत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि नया संसद भवन आपको नजर आ रहा होगा और का उद्घाटन 28 तारीख को होना है, दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन 19 विपक्षी दलों ने अपनी ओर से साफ तौर पर प्रेस रिलीज जारी करके ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो उस नए जो भवन बना हुआ है इसके उद्घाटन समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। और आरोप यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्ममुग्धता में केवल अपने फोटोजेनिक के लिए इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, लिहाजा ये लोकतंत्र की हत्या है और उस हत्या में हम शामिल नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा आरोप लगाया है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से पहल की थी, सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की और उनके साथ बातचीत करने के बाद ही एक संयुक्त विपक्ष की ओर से प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें यही आरोप लगाया कि राष्ट्रपति जी जो है वो नहीं उद्घाटन कर रहे हैं, लिहाजा इस वजह से ये 19 दल नहीं शामिल होंगे, क्योंकि लोकतंत्र, जो भारत की लोकतंत्र की परंपरा है, उसमें सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति को होता है और राष्ट्रपति ही अगर उद्घाटन नहीं कर रही है तो फिर हम इस लोकतंत्र के जो सबसे बड़े मंदिर का जी बिल्कुल ठीक है। तो ये वजह बताई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या फिर कुल मिलाकर के विपक्ष ने संयुक्त रूप से प्रेस रिलीज भी जारी की है आप बता रहे हैं, और उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है और साफ तौर से उन्होंने मना कर दिया कि वो इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। 19 दल हैं। हीरो वाजपेयी जी का रुख करती हूँ। हीरो वाजपेयी जी, सर 19 विपक्षी दल हैं सर, जो सीधे तौर पर आप पर आरोप भी लगा रहे हैं और वो मना भी कर रहे हैं कि वो इस उद्घाटन समारोह में आपके साथ वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, वो शामिल नहीं होंगे, अब क्या कीजिएगा आप लोग? क्योंकि आपको तो ये कहा जा रहा है, आप पर तो ये आरोप है कि छोटा बड़ा कोई भी कार्यक्रम हो आप पीएम मोदी से ही करवाते हैं, कायदे से तो जो नियम कहते हैं उससे राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, विपक्षी दल ये कह रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी, नहीं देखिए, विपक्षी दलों का ये कहना कि ऐसा कोई नियम है सरासर गलत है। देखिए, इन्होंने, कांग्रेस ने अपने जमाने में संसद में एनएक्सी बनाई, उसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया। कांग्रेस ने अपने जमाने में लाइब्रेरी संसद में बनाई, उसका उद्घाटन राजीव गांधी ने किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और अगर संसद भवन का जो रूप हमने आज खड़ा किया है और अगर उसका उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति इसकी नहीं है। आपत्ति तो पूरे देश में जो भी आपत्ति है इन विपक्षी दलों की, वो ये है कि कोई भी काम जो मोदी जी द्वारा किया जा रहा है उसका इन्हें विरोध करने का कोई ना कोई एक माध्यम ढूंढना है। और दूसरे कुछ दल बहम के भी शिकार है कि संसद की आकृति ऐसी है कि जो उसका उद्घाटन करेगा उसमें चला जाएगा, वो 50 साल तक सत्ता में रहेगा, ऐसे तमाम बहम का शिकार भी है। जनता जनार्दन है और जनता के वोटों से चुने जाने वाले लोग हैं। अगर जनता वोट नहीं दे रही तो बहम के आधार पर उद्घाटन का विरोध करना मुझे लगता है सरासर गलत है। इस आधुनिक युग में इस तरह के बहम जो पाले है विपक्ष, वो उसको नहीं पालना चाहिए। दूसरी बात, जो दल अलग अलग है
और बहुत सारे यही दल राष्ट्रपति को जो हमने चुना था तो उनके बारे में क्या भाषा शैली अपनाई थी और किन शब्दों से इन राष्ट्रपति को नवाजा था वो भी आपके सामने है, वो भी दर्शक जानता है आपका कि क्या कहा था इन्होंने और आज जो कुछ भी ये कर रहे हैं। देखिए इस देश में जो ऊंचाइयां मोदी जी के समय में तय हो रही हैं, ऐसी कौन सी ऊंचाई है जिसका ये विरोध नहीं करते? तो संसद भवन भी उसमें एक है। मोदी जी विदेश जाएं तो कहते थे विदेश मंत्री की उपयोगिता नहीं, मोदी जी अगर संबंध अच्छे कर लें तो कहते ऐसा नहीं है। कोई भी काम जो 9 साल में आदरणीय मोदी जी ने किया होगा उसका विरोध विपक्ष ने ना किया हो तो ये माना जाए कि सिर्फ विरोध करने के लिए विपक्ष विरोध करता है, सिर्फ ठीक है ये उनका एजेंडा है और ये सिर्फ इसी मौके पर नहीं हो रहा बल्कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी छोटा बड़ा काम हो जो पीएम मोदी करे उसका विरोध विपक्ष करता आ रहा है और यहाँ पर भी वही हो रहा है। अंशु अवस्थी जी, ये कहा जा रहा है कि संसद तो सिर्फ एक बहाना है सर, निशाना प्रधानमंत्री मोदी है, हीरो वाजपेयी भी कह रहे हैं और तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी यही सेम चीज कह रहे हैं। अंशु अवस्थी, हमारा निशाना बिल्कुल प्रधानमंत्री ने, हमारा निशाना जो देश के लोकतंत्र का अपमान हो रहा उस पर मुझे आप बताइए। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उद्घाटन, क्या देश की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, भारत के संविधान में ये उल्लिखित है कि संघ होगा उसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, एक राज्यों की परिषद एक जनता द्वारा चुनी, तो क्या जो संविधान में लिखा है जिस संविधान के दम पर देश चलकर आज 70 साल में यहाँ पहुंचा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना है। प्रधानमंत्री जी दूसरे देशों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन वो देश में कितनी डेमोक्रेसी की खुद कितनी इज्जत करते हैं? क्या देश के राष्ट्रपति और देश के माननीय उपराष्ट्रपति को भारत के लोकतंत्र का मंदिर जिसको भारतीय जनता पार्टी करी, हम भी कहते हैं कि देश की संसद इस देश का लोकतंत्र का मंदिर है, क्या वहां पर उद्घाटन में बुलाया नहीं जाना चाहिए? आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं लेकिन आप चला तो एक तंत्र रहे, सिर्फ हर जगह प्रधानमंत्री जी जाएंगे, पुलिया का उद्घाटन करना होगा प्रधानमंत्री जी जाएंगे, अरे ये भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर थोड़े बना है कि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, ये देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है भारत की संसद। और दूसरा इसका एक विधिक पहलू भी समझ लीजिए, प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं और रूलिंग पार्टी के लीडर होते हैं, संसद के अंदर वो नेता होते हैं, तो ऐसे में जो सबसे बड़ा अगर कोई लोकसभा में अधिकारी होता है तो वो स्पीकर होता है अगर आप देखें, तो उसके अलावा राज्यसभा है। अंशु अवस्थी जी, ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि स्पीकर अगर सबसे बड़ा है तो स्पीकर ने ही इनवाइट किया है पीएम मोदी को, स्पीकर ने ही कहा है कि प्रधानमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। मैं जवाब दे दूं। देखिये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ऊपर इस देश के महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, जब संसद सत्र की शुरुआत होती है तो देश के राष्ट्रपति ही शुरुआत करते हैं और जब सत्रावसान होता है तब भी राष्ट्रपति करते हैं, तो हर जगह पर राष्ट्रपति को एक महत्व दिया गया और जितनी भी भारत की हमारी जो काम होते हैं वो हमेशा राष्ट्रपति के माध्यम से ही होते हैं, जो कार्यशक्ति है वो जरूर कार्यपालिका में निहित है। तो हम तो ये बात कह रहे हैं कि जब देश का लोकतंत्र का मंदिर खड़ा हो रहा है, प्रधानमंत्री जी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां के लीडर है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जहां पर संसदीय व्यवस्था की बात आएगी वहां पर तो सबसे बड़े राष्ट्रपति हैं। ठीक है अंशु अवस्थी जी, ठीक है हीरो वाजपेयी से मैं जवाब दे रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि संसदीय जो परंपरा है, संसदीय जो परंपरा है उसकी अवहेलना की गई है, परंपरा का ख्याल नहीं रखा गया, संसदीय मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है आप, संसदीय जो संस्कृति है, संसदीय जो मर्यादा है उसका सम्मान नहीं करना चाहते। और दूसरा आप वोट के समय कहते हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है लेकिन जहां पर उनके सम्मान की बात आई, जहां पर उनके अधिकारों की बात आई, लेकिन अंशु अवस्थी जी यही तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सर्वोच्च पद पर हमने आदिवासी चेहरे को विराजमान किया है, ये तो सर्वोच्च सम्मान है आदिवासी समाज के लिए। आप तो ये कर रहे हैं, आप तो घर पर बुलाकर अपमानित कर रहे हैं, आपने किसी को राष्ट्रपति बनाया है ठीक बात, लेकिन आप ठीक है अंशु अवस्थी जी, आपका रुख मैं फिर करूंगी और आपने जो आरोप लगाए हैं, जो बातें कही हैं उसका जवाब मैं हीरो वाजपेयी से लूंगी, लेकिन सुनील सिंह साधु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ठीक है अंशु अवस्थी जी, लौटूंगी सर आपके पास, सुन तो लीजिए पहले, आपकी सबसे पिछड़ी सपा भी आप ही के साथ खड़ी है, सपा कह रही है कि हम भी इसका बहिष्कार कर रहे हैं, हम भी नहीं जा रहे हैं इस समारोह में। सुनील सिंह साजन जी, क्या दिक्कत है सर आपको
और क्यों आप लोग इसका उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं या फिर इस समारोह का हिस्सा नहीं बन रहे हैं? क्योंकि संसद भवन बन रहा है तो नए सांसदों के लिए बन रहा है, भावी पीढ़ी के लिए बन रहा है, देश का संसद भवन है, आप लोग क्यों इसका बहिष्कार कर रहे हैं? सुनील सिंह साजन जी, देखिए सच है कि जो नया संसद भवन है वो संविधान का प्रतीक है, देश के प्रतिनिधियों का प्रतीक है, और उस प्रतीक में वो लोग उद्घाटन कर रहे हैं जो पिछड़े दलितों का हक छीन रहे हैं, वो लोग उद्घाटन कर रहे हैं जो संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ना मानने वाले लोग उसका उद्घाटन कर रहे हैं। कौन उद्घाटन कर रहा है? जो देश के सारे संसाधनों को निजी हाथों में दे देना चाहते हैं, जो देश का सारा पैसा निजी हाथों में दे देना चाहते हैं, जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े और दलितों के हक और आरक्षण में डाका नहीं डाल रहे हैं? जो लोग चुनी हुई सरकार गिरा रहे हैं, जो लोग प्रशासन के बदौलत चुनी हुई सरकार को गिरा करके खरीद फरोख करके अपनी सरकार बना रहे हैं, तो जिन लोगों के अंदर संविधान का, लोकतांत्रिक नियमों का सम्मान नहीं है, वो लोग उद्घाटन कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि कम से कम ऐसे उद्घाटन में हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बताए कि आखिर उन्होंने जब भगवान राम मंदिर के शिलान्यास हुआ तब महामहिम को क्यों नहीं बुलाया? क्यों? क्योंकि वो दलित थे। जब इस संसद भवन का शुभारंभ हुआ या उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन सुनील जी ये तो कहा जा रहा है ना, इतना बड़ा दिन है, देखिए शुभ घड़ी है, ऐसे में तो अच्छा होता कि आप लोग भी सत्ता पक्ष के साथ खड़े होते। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है सर कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है मजबूती के साथ साथ में खड़े रहे। ये तो अच्छा मौका था, शुभ घड़ी थी, साथ में खड़े रहते तो और अच्छा लगता, देश को भी अच्छा लगता। अगर सत्ता पक्ष संविधान को मानता तो हम सत्ता पक्ष के साथ खड़े हो जाते। सत्ता पक्ष क्या बताएगा कि वो जाति जनगणना कराएंगे? सत्ता पक्ष के लोग क्या बताएंगे पिछड़े दलितों का हक क्यों छीन रहे? सत्ता पक्ष के लोग बताएंगे कि देश का पैसा निजी हाथों में क्यों दे रहे हैं? जो सरकारी संस्थाएं थी उनको निजी हाथों में क्यों दे रहे हैं? क्या ये संविधान कहता है क्या? क्योंकि भाजपा संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम उसके साथ। भाजपा संविधान के खिलाफ है, संविधान के विपरीत जाकर के काम हो रहा है, और इसलिए आप ये कह रहे हैं कि आप इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे। 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, जिससे विपक्ष ने किनारा कर दिया है, इसी पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी से मेरा सवाल है, हीरो वाजपेयी जी देखिए सीधे सीधे आप पर ये आरोप है कि आप लोग तो जो प्रोटोकॉल तय है उस प्रोटोकॉल को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। वैसे तो राष्ट्रपति के हाथ से होना चाहिए था, ये अंशु अवस्थी भी कह रहे हैं, सुनील साजन भी कह रहे हैं, और तमाम विपक्षी दल ये बातें कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं भेजा, ये तो एक मेगा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है आपने इसको, ये आरोप है आप पर। देखिए मुझे लगता है कि संविधान जिसकी चर्चा हमारे दोनों मित्र कर रहे हैं शायद ये पढ़ते नहीं अब संविधान। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा ही होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं लिखा। तो केवल इस लाइन को ये इनके मन में है, इनको मोदी जी का विरोध करना है इसलिए ये लाइन इनको सुनाई देती। संसद में लोकसभा अध्यक्ष ने खुद आमंत्रण दिया कि आदरणीय मोदी जी इसका उद्घाटन करें। और दूसरे, मैं सपा की और कांग्रेस की परेशानियाँ समझ सकता हूँ, कई काम इन्होंने किए बहुत खूबसूरत, सपा के हमारे मित्र के नेता ने लोग भवन बनाया पर बेचारे बैठ नहीं पाए, पीड़ा रह रहे हैं कि उजागर हो गई है। हमने जो समय और आपको दिक्कत इस बात से है कि पीएम इसका उद्घाटन कर रहे हैं या फिर ये नई संसद भवन बन रही है, इससे आपको दिक्कत है? हमारा सीधा सवाल ये है, देश के लोग जानना चाहते हैं कि देश के राष्ट्रपति आदिवासी है तो आप उनको अपने कार्यक्रम में, संसद के उद्घाटन में भी नहीं बुलाएंगे? प्रधानमंत्री जी सिर्फ स्टेडियम भी मेरे नाम पर हो, संसद भी मैं उद्घाटन करूंगा, पुलिया भी मैं उद्घाटन करूंगा। भैया ये देश देख रहा है, आने वाले समय में आपको जवाब देगा। और एक चीज और सुन लीजिए, आपको अगर उद्घाटन करना है तो अच्छे से जो विपक्ष का कमरा है उस पार्लियामेंट में जो बनाया आपने, अपने फायदे के लिए बीजेपी सारे जो उद्घाटन है वो पीएम से ही करवाती है, सरकार पीएम से ही करवाती है, ये आप कह रहे हैं। शुक्रिया अंशु अवस्थी जी और हीरो वाजपेयी जी, साथ में अविनाश और सुनील सिंह साजन जी, आपका भी शुक्रिया सर। तमाम सवालों और विरोध के बीच में 28 मई वो तारीख है जब पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं और जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।